नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश बिगड़ी वाला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानकारी ले रहे हैं 220 वोल्ट लेड एसिड सेट बैटरी के इंस्टॉलेशन की। बैटरियों के बारे में सबसे पहली जानकारी, ये एक्साइड कंपनी की बैटरी है, मेड इन इंडिया है। एक सेल 2 वोल्ट का और इसमें 110 सेल लगेंगे। सबसे पहले अनलोडिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ब्रेकेबल आइटम है। उसके बाद चलो करते हैं अनबॉक्सिंग में पर सेल को देखना है कि कहीं सेल डैमेज नहीं हो जाए। फिर शुरुआत करेंगे ये स्टैंड लगाने के लिए। बैटरी का स्टैंड है, इसके साथ हमारे पास 2 पीस दे रखे हैं, तो देखते हैं कैसे है। इसमें एक तरफ जो है वहाँ पे एक छेद होगा और दूसरी तरफ 2 छेद होंगे। एक इस तरह की एक दूसरी डिजाइन है, उसको भी देखते हैं। इस पीस के दोनों तरफ एक एक छेद है और ये जब स्टैंड अपन फिट करेंगे तो इसमें 13 नंबर का स्टैंड यूज में अपने आएगा। जिस तरफ एंगल के 2 छेद होंगे वो स्टैंड के एंड टू एंड लगेगा, या तो फर्स्ट में लगेगा या वो एंड में लगेगा, और जो बीच में लगेगा वो सिंगल बोल्ट वाला लगेगा। ये ऐसे सारे लगेंगे। इस तरह से 2 सेक्शन में अपना स्टैंड कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ 55 सेल आएंगे, दूसरी तरफ 55 सेल आएंगे। सभी बैटरी के बॉक्स के साथ एक बॉक्स आएगा जिसमें सारी एसेसरीज होगी। कंपनी अपने को चेकलिस्ट देती है, उस चेकलिस्ट से अपने को वेरीफाई करना है कि किसी सामान की कमी तो नहीं है इसमें, तो अगर कमी हो तो तुरंत कंपनी को इन्फॉर्म करना है। और ये एसिड के कैन है, जो 40 कैन है जिसमें ग्रेविटी 1200 से 1210 के बीच में आ रही है। ये पाइप है, सबसे पहले ये एसिड को कैन से जग में भरने के लिए है। उसके बाद ये 2 स्पैनर दे रखे हैं जो इंसुलेटेड है बैटरी कनेक्शन के लिए। फिर ये बैटरी कनेक्शन है, ये कीमा बोलते हैं इसको, थर्मोमीटर जो ग्रेविटी चेक करेंगे। ये बैटरी कैप है, ये जग है प्लास्टिक का, हैंड ग्लव्स, एप्रिन और सेफ्टी सूट को हमेशा पहन के ही काम करना चाहिए, इससे अपने पैंट शर्ट कपड़े बॉडी खराब नहीं होगी। ये एप्रिन है पूरी कंप्लीट आएगी, नीचे सॉक्स शूज आएंगे, सेफ्टी सूट। ये सेल कनेक्टर है, इससे हम सेल टू सेल को कनेक्ट करेंगे। पेट्रोलियम जाली जो बैटरी के कनेक्शन पर लगाएंगे। ये पंप है, ये 13 नंबर का स्पैनर जो यूज में ले रहे हैं भाई साहब हमारे। अपने को सेफ्टी शूज, एफ्रीन और हैंड ग्लव्स हमेशा यूज करने चाहिए, नहीं तो आपके कपड़े हैं आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है, इससे होती है वैसे एसिड गिरा दो। ये एक्साइड का एक सेल है और 110 सेल बन के बैटरी सेट बन जाएगा अपना, इंडस्ट्रीज के लिए ही आता है ये। अब बैटरियों को हम स्टैंड पर रख रहे हैं एक एक करके, पूरी सावधानी से रखना है और एक सिरे से शुरू करना है ताकि प्लस माइनस का सीक्वेंस अपने सही तरीके से बैठे। और रखते वक्त पूरी सावधानी रखनी चाहिए अपने को, नहीं तो एक सेल भी अगर गिर गया या कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अपने पास। सारी बैटरियों को सीक्वेंस से जमाने के बाद अब शुरुआत एक से करनी है अपने को। एक एक बैटरी में अपन एसिड भरते जाएंगे, एसिड जग से ही भरना है, कपड़ों का, शूज का, अपने हाथों का, अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हुए। सबसे खास बात ध्यान रखनी है जो है कि बैटरी एसिड भरने के बाद फर्स्ट बैटरी जिसमें हम सबसे पहले एसिड भर रहे हैं उसको 24 घंटे के से ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, और जो लास्ट बैटरी भरेंगे उसको 10 घंटे से कम रेस्ट नहीं देना है। ओवरऑल अपने को 12 घंटे का रेस्ट देने के बाद ही उसको बैटरी को चार्जिंग में डालना है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि पूरी टीम थक चुकी है। उसके बाद हमें बैटरियों के कनेक्शन करने हैं और 1-to-1 कनेक्शन करें शुरुआत से लेके, और जैसे ही सारी बैटरियाँ हो जाए पूरी सेट एक लाइन टू लाइन, उसके बाद अपने को टाइटिंग करनी है।
फाइनल टाइटिंग करने के बाद अपने को मल्टीमीटर से टोटल वोल्टेज एक बार चेक करना है जब चार्जिंग में देने से पहले। सबसे पहले नंबर वन सेल को माइनस से और लास्ट में प्लस 110 नंबर सेल को प्लस से जोड़ेंगे। उसको कनेक्ट करने के बाद अपन चार्जिंग की प्रोसेस चालू करने वाले हैं। बैटरियों को चार्जिंग 24 एम्पियर पे करना है, 24 एम्पियर इंटू 83 घंटे, लगभग 2000 एम्पियर आवर बैटरी को देना है अपने को। इस मैनुअली इसको अपन चेंज करते रहेंगे। इसको 24 एम्पियर पे अपने को सेट करना है। जैसे ही अगर अब 24 एम्पियर से कम आ जाए तो अपने को वापस एडजस्ट करके 24 पे लाना है, और 24 से ज़्यादा हो जाए तब भी अपने को एडजस्ट करके 24 एम्पियर पर लाना है। अब हमें हर 24वां पायलट सेल डिसाइड करना है। तो हर 24वां हो गया, 48वां हो गया, 72वां हो गया और 96 नंबर का हो गया। 4 अपने इस पूरे सेट में पायलट सेल आएंगे जिसके अपने को हर घंटे टेम्परेचर, ग्रेविटी और वोल्टेज चेक करना है, और अपन डेटा एनालिसिस करते रहेंगे कि कैसे अपना सिस्टम काम कर रहा है। ये सेकंड नंबर हो गया, 48 नंबर पायलट सेल, 72 नंबर पायलट सेल, और अब एक ले लेंगे अपने 96, ये 96 नंबर पायलट सेल। अपने को खास बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रूम टेम्परेचर और सेल टेम्परेचर सेम हो तभी चार्जिंग में इसको डालना है। ये सारा कुछ चार्जिंग का अपने को होने के बाद डिस्चार्जिंग करेंगे, जिसमें 46 एम्पियर इंटू 10 आवर मतलब 400 एम्पियर आवर अपने को डिस्चार्जिंग के लिए डालना है। उसके बाद फिर तुरंत चार्जिंग में डालना है, फिर 24 एम्पियर के लिए लगभग 600 एम्पियर आवर के लिए अपने को चार्ज में डालना है, और ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद अपन कभी भी इसको लोड पर दे सकते हैं। अब ये चार्जिंग का प्रोसेस चालू है। जैसे ही बैटरी चार्जिंग होगी गैस बहुत निकलेगी, जैसे इसमें रिएक्शन भी हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा, ये बबल्स निकल रहे हैं। इसके ढक्कन हमेशा खुले रखने चाहिए चार्जिंग टाइम में, जब अपने ये चल रहा हो साइकिल तब, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गैस निकलेगी। ये अपने डिस्चार्जिंग के लिए जुगाड़ बना रखा है प्लास्टिक का ड्रम में। तो सारा डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, 46 एम्पियर पे अपन इसको डिस्चार्जिंग कर रहे हैं। डीसी एम्पियर में तो डिस्चार्जिंग वाला है, बाकी सारे स्विच ऑफ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।